नोवाक जोकोविच ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रविवार को खेले गए विंबलडन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से हराया। जोकोविच अब सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने के मामले में राफेल नडाल से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। नडाल ने के नाम 22 ग्रैंड स्लैम हैं। 20 खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर 30 स्थान पर खिसक गए हैं। फाइनल में जोकोविच की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कारगियोस ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया। अगले दो सेट में सर्बियाई खिलाड़ी हावी रहा। चौथा सेट एक समय 6-6 की बराबरी पर था। यहां जोकोविच ने टाई ब्रेकर में बाजी मारी और लगातार चौथी और ओवरऑल 7वीं बार विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया। जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। यह उनका 32वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था। उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 31 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं। राफेल नडाल 30 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचे हैं। जोकोविच 8वीं बार विंबलडन फाइनल खेले हैं। वहीं निक कारगियोस ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था। नडाल के चोटिल होने पर वह फाइनल में डायरेक्ट प्रवेश किया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम है, जिन्होंने अब तक 22 टाइटल जीते हैं। नडाल इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चोटिल होकर बाहर हो गए थे, इस वजह से निक कारगियोस को वॉकओवर मिल गया था। जोकोविच विंबलडन में 5 साल से नहीं हारे एक भी मैच। सर्बियाई स्टार जोकोविच इस समय विंबलडन में पिछले 5 सालों से टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे हैं। वे 2018 से लगातार विंबलडन में 28 मैच जीत चुके हैं। वहीं जोकोविच लगातार सबसे ज़्यादा विंबलडन मैच जीतने के मामले में चौथे नंबर पर काबिज हैं। इस मामले में स्वीडन के पूर्व स्टार प्लेयर ब्रियोन बोर्ग टॉप पर काबिज हैं, जिन्होंने 1976 से 1981 के बीच लगातार 43 विंबलडन मैच जीते थे। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।